खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी थाना भौगाम पुलिस व स्वीट टीम के सहयोग से अवैध असलाह बनाने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने बताया कि यह गैर अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो देश व प्रदेश में अवैध असलाह बनाकर अच्छे दामों में बेचा करते थे और बताया कि कई जनपदों में इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिनको मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की बोलेरो बिना नंबर प्लेट संख्या UPSC EP 0101 के अलावा 20 अवैध पिस्टल, 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना पुलिस द्वारा सावधानी से टार्च की रोशनी पर इशारा दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त गाड़ी एकदम रुककर पीछे की ओर मुड़ने लगी, जहां पर तत्पश्चात दिखाते हुए पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया। तभी अंदर गाड़ी में बैठे शातिर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव के बाद जैसा आप जानते हैं वायलेंस की कई बार शिकायतें मिलती हैं, पोस्ट पोल वायलेंस, उसी क्रम में हमारी जो साइबर टीम इंचार्ज जो विक्रम सिंह है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, और भौगाँव इंचार्ज आर्यन सिंह CO, और पूरी टीम जो है इसमें रात में चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय जो असलाह तस्कर गिरोह है वो फिर कब्जे में आया। एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई, उसकी सर्च के बाद फिर चार अभियुक्त, राज बहादुर जो कि आगरा कराने वाले हैं, और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार, ये मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले हैं सब। ये ऐसा तस्कर गिरोह है जिसको दिल्ली पुलिस के ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों के पास से 20 कंट्री मेड जो पिस्टल बरामद हुई है, और ये लेकर के पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ग्रोह अभी पूछताछ जारी है, सप्लाई करने के फिराक में था, लेकिन ये बीच तलाशी के दौरान ये पकड़ लिए गए हैं। और इसे 2 इंट्राइड फोन, 1 बोलेरो गाड़ी, साथ में 20 अवैध पिस्टल्स, 32 ओवर की जो हैं, और साथ में कुछ कारतूस, ये सब आज बरामद किए गए हैं। इनको फिर जेल रवाना किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले भी कई मामलों में इन्हें जेल भेजा जा चुका है। सर, ये खेप कहीं चुनाव से चुनाव को लेकर तो नहीं आई थी, इसकी खपत तो नहीं होनी थी चुनाव में? अब पूछताछ जारी है कि पूर्वांचल में किसी गिरोह को सप्लाई करने की। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा की जा रही है? पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और हमारी तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड पूरी टीम को घोषित किया जाता है। मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।